नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवीत सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। मौत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव से पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी थी और अब जिलाधिकारी ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला अस्पताल की CMS नीता साहू पर शासन ने ये कार्रवाई की है। CMS नीता साहू का प्रयागराज महिला परामर्शिता के पद पर ट्रांसफर हो गया है और महेंद्र मौर्य होंगे अब रायबरेली जिला अस्पताल के नए CMS। शासन ने यह आदेश पत्र भी जारी कर दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज में इस वक्त महागिरफ्तारी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के करीबी हमजा अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। CBI की टीम ने कार्रवाई की है और CBI टीम ने प्रयागराज के करैली से हमजा को गिरफ्तार किया। लखनऊ के व्यापारी मोहित जायसवाल के अपहरण का मामला था उन पर और इसी मामले में आरोपी फरार चल रहा था जिसे CBI ने गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि CBI कोर्ट ने हमजा अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ था। दिसंबर 2018 में मोहित जायसवाल को लखनऊ से अगवा किया गया था और देवरिया जेल ले जाकर माफिया अतीक अहमद के सामने उसे पेश किया गया था। इस मामले में अब माफिया अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर अहमद और साथ साथ 12 लोग आरोपी बनाए गए थे। इसी बीच आपको बता दें कि अब उमर अहमद समेत 12 लोग आरोपी बनाए गए और हमजा जो कि एक मुख्य किरदार यहां पर सामने आया था उसे आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। CBI टीम की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही थी। गैर जमानती वारंट भी हमजा के खिलाफ जारी कर दिया गया था और आखिरकार अब उसे गिरफ्तार किया गया है। CBI की टीम की तरफ से कार्रवाई की गई है और करैली से हमजा को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल व्यापारी मोहित जायसवाल के अपहरण केस में हमजा फरार चल रहा था और साल 2018 दिसंबर के महीने का यह मामला है जहां पर अपहरण के मामले में हमजा अंसारी का मुख्य तौर पर नाम सामने आया। साथ ही साथ अतीक अहमद का जो बेटा है, बड़ा बेटा उमर अहमद, उसका नाम भी 12 आरोपियों के साथ साथ आरोपियों की सूची में शामिल था और इस बीच उमर अहमद समेत 12 लोग आरोपी भी बनाए गए थे। CBI की जांच इस दौरान जारी रही और गैर जमानती वारंट हमजा के खिलाफ जारी किया गया था और अब प्रयागराज के करैली से हमजा को गिरफ्तार किया गया है। और इस बीच रुक करेंगे अलीगढ़ का। अलीगढ़ में थाना कोतवाली के भुजपुरा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और इस बीच मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। तो वहीं 6 साल की बेटी भी है महिला की, जिसने मां के साथ मारपीट की सच्चाई को बयां किया। ससुराल पक्ष ने मारपीट की और उसी समय ये मारपीट की गई जब पति घर से बाहर था। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। थाना कोतवाली क्षेत्र के भुजपुरा इलाके में रह रही रुखसार की शादी दरअसल 8 साल पहले हुई थी और इस दौरान दंपति के 3 बच्चे भी हैं। बताया ये भी जा रहा है कि रुखसार की ससुराल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और घरेलू कलह के चलते रुखसार की मौत का कारण बना है। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान रुखसार की शिकायत की गई थी, लेकिन रुखसार शिकायत लेकर थाने पहुंची थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और संदिग्ध परिस्थितियों में रुखसार का शव घर में लटका हुआ मिला है। हालांकि इस दौरान रुखसार के चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, गर्दन से खून निकल रहा था और घर के सामान को भी बिखरा हुआ पाया गया है। तो वहीं रुखसार का जो पाजेब है वो भी टूटी मिली। पुलिस ने जांच में यह भी बताया है कि महिला की मौत की सूचना मायके पक्ष को दी गई थी और मायके पक्ष ने ही ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। ये माजरा है जी, इसमें दोनों में झगड़ा हो रहा था। रात को 9 बजे मैं 9:30 बजे मेरे पास फोन करा, मैं खाना खा रहा था। मैं तो इन्होंने पूछी कि झगड़ा हो रहा है इनमें, तो मैंने की बात करो बन्ने से, तो बन्ने ने मना कर दी, बात नहीं करूंगा मैं। बन्ने कौन है? उसका आदमी है। हाँ जी, तो सवेरे 5 बजे इन्होंने फोन करा कि लड़की खत्म हो गई। मैंने कहता फांसी लगा लिया, तो मैंने यहाँ देखा गया इसके घुटकों खिचरे पर हैं, कपड़े सने मिट्टी में और गर्दन पर खून है। क्या नाम है लड़के को? कहाँ से शादी हुई थी? यहाँ से दिल्ली शादी भाई, भुजपुरा शादी भाई है, रहने वाले भौनी के हम, छर्रा के पास।
तो वहीं इस बीच एटा जनपद मुख्यालय पर आज उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के जिला एटा की कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। इसमें सामूहिक रूप से कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शपथ ली है। कार्यक्रम वन मंत्री अरुण सक्सेना के इंतजार के चलते निर्धारित समय से थोड़ा देर से प्रारंभ हो सका है, जबकि व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद बिहारी मिश्रा कार्यक्रम में समय से उपस्थित रहे। साथ ही साथ व्यापार मंडल के पदाधिकारी और सदस्यों से मिलकर संगठन के विषय में इस दौरान चर्चा भी की गई है और इस कार्यक्रम में कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर अलग अलग बैठे हुए नजर आए हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि चर्चा की गई और व्यापारियों में जोर शोर से ये चर्चा रही है कि आखिर व्यापारियों में कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले नगर की टीम को इस कार्यक्रम में नजरअंदाज क्यों किया गया है। यह व्यापारियों में दो गुट हो गए हैं, जबकि मंच पर मौजूद वक्त पर जो वक्ता थे और जो अतिथि एकता की बातें करते रहे वो संगठन में फूट पड़ती हुई नजर आई। वो मुस्लिम समाज की महिलाएं थी, चाहे हिंदू समाज की महिलाएं थी, चाहे सिख समाज की महिलाएं थी, महिलाएं किसी समाज की क्यों न हो, मित्रों इस देश को एकजुट बनाने में उनकी महती भूमिका गई। मैं आधा मिनट में अपनी बात करके समाप्त करूंगा। इस देश में जब जब जरूरत हुई है अपने इस देश में समर्पण के भाव से जब कोई समय आया है तो व्यापारी ने समर्पण करके दिखाया, अपने व्यापार को समर्पित करते हुए, चाहे राम मंदिर के निर्माण के आई समर्पण राशि मांगी जा रही थी तो व्यापारियों ने कहा रसीद काटने की जरूरत नहीं, मुट्ठी बांध के दे रहे हैं। मित्रों राष्ट्र की सरकार बनाने में बात थी, चाहे वो मुस्लिम समाज। और ये घटना बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही गलत हुई, नहीं होना चाहिए था। और हमारी सरकार सजग है और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई। दूसरी घटना यूपी की है जिसमें राजभर ने कल बयान दिया है कि अखिलेश यादव और मायावती दोनों एक दूसरे को दबाने पर लगे हुए हैं, जिसपे उनका ये अपना गढ़ जो रामपुर वाला और आजमगढ़ वाला वो हार गए, जिसमें मायावती घुस है। अगर दोनों ने मिलकर काम नहीं किया तो 2024 में 80 सीटें बीजेपी जीतेगी और ये तबाह हो जाएंगे। तो इनका कहना है कि 2024 में मायावती और अखिलेश को दोबारा से मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए। आपकी बार 80 की 80 सीटें आएंगी हमारी और हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जनता तैयार है, हमारे नौजवान तैयार है, पार्टी का हर कार्य। और अब ये मामला है फतेहपुर का, जहां फतेहपुर जनपद के बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के खजुआ कस्बे का मामला है, जहां रहने वाले अंतर जनपदीय शातिर बदमाश को खजुआ चौकी प्रभारी राजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने अपने हमराही आरक्षकों के साथ घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सटीक सूचना पर क्षेत्र के परादान कोठी के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पता चला है कि शातिर बदमाश जिसका नाम मुन्ना शाह है उसके ऊपर पहले से ही कई मुकदमे भी दर्ज हैं और पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद बदमाश से पूछताछ भी की और बदमाश के पास से इस दौरान अवैध तमंचा, 2 कारतूस, 2 अदद बम भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए इस बदमाश को जेल भेज दिया है। इस बीच फतेहपुर के खागा कस्बे को पूरी तरह की से पॉलिथीन से मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। आदर्श नगर पंचायत खागा द्वारा यह अभियान चलाया गया है और इस अभियान के दौरान कस्बा स्थित एक इंटर कॉलेज में नगर पंचायत द्वारा महाशपथ अभियान का आयोजन किया गया और इस महाशपथ अभियान के अंतर्गत इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को पॉलिथीन का प्रयोग न करने की शपथ भी दिलाई गई है। बता दें आपको कि पॉलिथीन के उपयोग से पर्यावरण और मानव जीवन के स्वास्थ्य पर काफी दुष्प्रभाव पड़ता है और इसी को लेकर यह महाशपथ अभियान करवाया गया है, जो कि कॉलेज में करवाया गया और यहां कॉलेज के शिक्षकों के साथ साथ नगर पंचायत के चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी भी मौजूद रहे। नगर पंचायत द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में शपथ दिलाने के बाद कॉलेज के प्रधानाचार्य को सौंपा गया कैरी बैग और खागा कस्बा स्थित आशा सिंह इंटर कॉलेज का ये पूरा आयोजन है, जो कि आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, शिक्षक मौजूद हैं और कई छात्र छात्राएं हैं, इनके साथ मिलकर ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया और इस दौरान पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करने की शपथ दिलाई गई है। और इस बीच रुक करेंगे गोरखपुर की ओर, जहां से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि गोरखपुर से अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर एक बार फिर पहुंचे हैं और इस बीच एक बार फिर से
सीएम का जनता दरबार देखने को मिला है। गोरखपुर से एक खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा, जहां दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद सुनी गई है। साथ ही साथ उनके निस्तारण के लिए भी मौजूदा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। तस्वीरें भी आपको दिखा दें, ये झलक है जनता दरबार की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जनता दरबार में आए फरियादियों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी है और साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए समस्याओं का तुरंत ही निराकरण करने के लिए भी आदेश दिया गया है। इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वृंदावन के सरकारी जिला संयुक्त अस्पताल में सीएमएस की विदाई खूब हंगामेदार रही। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फेयरवेल पार्टी से पहले ही साथी चिकित्सकों ने सीएमएस के साथ हाथापाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और मुख्य चिकित्सा अधिकारी और इसके बाद मामले को शांत कराया जा सका है। अब विभागीय अधिकारियों द्वारा डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की जा रही है। दरअसल अस्पताल में यह हंगामा हुआ, जहां लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है यह हंगामा। बताया यह भी जा रहा है कि करीब 2 सालों से सीएमएस पद पर काबिज रहे डॉक्टर संजीव जैन का सेवानिवृत्त समारोह आयोजित किया गया था और स्टाफ द्वारा तैयारियां की जा रही थी। इसी दौरान अस्पताल के ही डॉक्टर दिलीप, डॉक्टर रश्मि और डॉक्टर मौसम का सीएमएस डॉक्टर जैन से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसमें मामला हाथापाई तक जा पहुंचा, यहां तक कि सीएमएस कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर और एलईडी स्क्रीन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जैसे ही डॉक्टरों के बीच हंगामे की खबर अस्पताल में फैली तो चर्चाएं शुरू हो गई। सूचना पाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय वर्मा भी अस्पताल पहुंचे। उधर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। सीसीटीवी कैमरे के चीजें भी तोड़ दी गई है, सीसीटीवी कैमरे को तोड़ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा जब तक उनसे बात नहीं हो, है ना। कुछ विवाद हुआ ये मेरी जानकारी में आया, लेकिन विवाद सुलझ जाएगा, आपसे विवाद है सुलझ जाएगा। बता रहे चौकी पर वो एप्लीकेशन देने गए हैं, अब वो भी नहीं, मेरी जैन साहब से भी बात नहीं हुई, उनसे भी नहीं हो पाई है, लेकिन सुलझ जाएगा, कोई बड़ा विवाद नहीं होता है। मतलब यह मानव विवाद हुआ है डॉक्टर साहब, ये तुम्हें पता लगा कि आकर के विवाद हुआ है और सुलझ जाएगा। इसमें आज उनकी विदाई थी और आज ही रिटायरमेंट के दिन हुआ। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, जब तक मुझे ना पता रहे विवाद का कारण क्या है, विवाद क्यों हुआ है और गलती किसकी है, जब तक ये ना पता लगे तब तक कोई इस पर कमेंट करना मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं रहेगा। सुनने में आया लेनदेन को लेकर के कुछ विवाद था। तो इस बीच मथुरा में यूपी पुलिस की कांस्टेबल का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल का जो शव है उसी के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया यह भी जा रहा है कि मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और शव को कब्जे में लिया गया है। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। यूपी के मथुरा जिले के नौझील थाना इलाके में तैनात सिपाही का ये शव है, जो कि फंदे से लटका हुआ मिला। सिपाही मेरठ जिले का रहने वाला बताया गया और सिपाही ने ऐसा कदम क्यों उठाया इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। पुलिस ने आखिरकार शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि इस दौरान SHO प्रदीप कुमार ने बताया है कि सिपाही ने ऐसा कदम क्यों उठाया ये साफ नहीं है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और अब सिपाही, जो कि ट्रेनिंग के बाद से ही थाना नए झील में तैनात था, अब उसके एक मर्डर की जांच की जा रही है। थाना नौझील में नियुक्त आरक्षी आशीष कुमार का शव उनके आवास पर पंखे से लटका हुआ मिला है। इस सूचना पर बॉडी को PM के लिए भेजा जा रहा है। उनके परिजन पहुंच रहे हैं और शीघ्र ही PM के पश्चात अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रथम दृष्टया शव क्योंकि पंखे से लटका हुआ मिला है तो पोस्टमार्टम के पश्चात ही घटना के स्पष्ट कारणों पता चलेगा। थाना नौझील में नियुक्त आरक्षी आशीष कुमार का शव उनके आवास पर पंखे से लटका हुआ मिला है। इस सूचना पर बॉडी को PM के लिए भेजा जा रहा है। उनके परिजन और इसी बीच मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। इसी की वजह से ये कीमत जो है परिवार चुका रहा है। बता दें आपको कि एक 10 महीने की बच्ची को चोरी कर लिया गया। बच्चे को ले जाकर जिला अस्पताल इलाज के लिए परिजन पहुंचे थे, जहां से बच्चा चोर इस बच्चे को उठाकर ले गए और सीसीटीवी खराब होने की वजह से आरोपियों की पहचान तक नहीं हो पा रही है।
हालांकि इस मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है और गौरतलब है कि लालगंज थाना क्षेत्र के लहंगपुर बामी गांव से ये महिला आई थी और अस्पताल में जब वो नीचे दवा लेने आई तो बच्चा गायब हो गया। बच्चे का नाम आर्यन बताया गया है और पुलिस चौकी जाने पर उसकी मदद करने के बजाय उसे भगाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि रिश्ते की चाची के पास बच्चे को सुलाकर कंचन नीचे दवा लेने चली गई थी। इस दौरान चाची के साथ आया 5 साल के बच्चे ने शौच करने की इच्छा जाहिर की। चाची उसे लेकर नीचे चली आई और अपनी बहू से कहा कि बच्चा रो रहा है, जाकर देख लो। कंचन सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक आर्यन को चुरा ले गए थे ये चोर और इस बीच आर्यन वहां नहीं मिला। बता दें आपको कि इसी के साथ 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 में आई ननंद ने पुलिस चौकी से मिले जवाब को भी बताया है। उसने कहा कि जब हम वहां पहुंचे और बताया कि बालक गायब हो गया है, ये जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने कहा खुद जाओ और ढूंढ लो। अस्पताल में आए थे दवा लेने के लिए, डॉक्टर साहब बच्चों को अल्ट्रासाउंड लिखे थे, हम गए सरकारी अस्पताल में नीचे करवाए, फिर ले आ रिपोर्ट दिखाए, दवा दिए, हम गए अंदर दवा लेने, हमारा बच्चा खो गया। कितने साल का बच्चा आपका? 10 महीने का बच्चा गोदी में खेल रहा था, पीला पीला शर्ट बना था, आधा जींस बना है। देखिए सूचना मिली है, थोड़ा हम लोगों को विलम्ब से सूचना मिली थी, लेकिन ये है कि सूचना संज्ञान में आ गई है। बाकी एक परिवार था यहाँ पर, एक बामी गांव पड़ता है, थाना लालगंज, जनपद मिर्ज़ापुर में, वहाँ के रहने वाले थे। बच्चा करीब 10 महीने का था और उसका नाम आर्यन था और वो बच्चा जो है जिला अस्पताल में अपने बच्चों के डॉक्टर को दिखाने आया था और करीब 1 से 1.5 के बीच में घटना हुई है। अभी हम लोग फुटेज वगैरह देख रहे हैं, जितने भी हमारे अस्पताल के आसपास के कैमरे लगे हुए हैं, अस्पताल के अंदर जो लगे हुए हैं उनको चेक किया जा रहा है। बाकी बच्चे का थोड़ा फुटेज मिला भी है और हम लोग कुछ अपने रेलवे स्टेशन से लेकर के, रोडवेज से लेकर के जितने भी स्टैंड हैं वहाँ पर हम चेक करा रहे हैं। अभी जो भी संभावना मिलती है उसके मिलने की हम लोग निश्चित तौर से पूरा प्रयास करेंगे, बाकी उसका नियमानुसार अभियोग दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने डांस पार्टी में जमकर गोलियां बरसाई हैं। गांव में गोलियां चलने से भगदड़ मच गई और हथियारों से लैस इन आधा दर्जन दबंगों ने गांव में दहशत फैला दी है। तस्वीरें भी आपको वहां से दिखा दें, ये झलक है इनकी दबंगई की, जहां पर ये एक समारोह में पहुंचते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। बता दें आपको कि खुशी में गांव में दावत और डांस पार्टी चल रही थी, लेकिन अचानक तमंचा और बंदूकों से लैस हुए आधा दर्जन दबंग हथियार लहराते हुए ग्रामीणों पर फायरिंग करने लगे। गोली चलने से डांस पार्टी में भगदड़ मच गई और दबंगों की फायरिंग और हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई गई और इस घटना को शाहजहांपुर के थाना कटरा क्षेत्र के गांव कोठा का बताया जा रहा है। यहां के रहने वाले महेंद्र ने बेटा होने की खुशी में गांव वालों की दावत रखी थी, इसी में डांस पार्टी भी चल रही थी और आधी रात को जब डांस पार्टी हो रही थी इसी दौरान गांव के ही सुरेंद्र, मुकेश, राजेश और टिंकू नाम के ये जो दबंग हैं ये मौके पर पहुंचे, अपने साथ आधा दर्जन लोगों को भी लेके गए जिनके हाथों में बंदूक और हथियार और राइफल तमंचा लेकर ये सब इस समारोह में पहुंचे थे। दबंगों ने डांस पार्टी देख रहे सुजान और सत्यपाल पर फायर कर दी। बताया ये भी जा रहा है कि सत्यपाल और सुजान से दबंगों की पुरानी रंजिश चल रही थी और फायर की आवाज सुनकर गांव में भी भगदड़ मच गई है। दबंग असला लहराते हुए मारपीट भी करने लगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान के उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैया की चाकू से गला रेतकर हत्या के बाद इसका विरोध अब देशभर में हो रहा है। बता दें आपको हाल ही में सोनभद्र से मामला सामने आया जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस जबरदस्त प्रदर्शन के बीच जिला संयोजक संदीप गुप्ता के नेतृत्व में श्रीराम चौक पर पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे प्रशासन से सतर्कता से पुतला फूंकने का काम नहीं किया गया। दरअसल आपको बता दें कि ये जो कार्यकर्ता हैं पुतला फूंकने के इरादे से इस चौराहे पर पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है उत्तर प्रदेश में, तो पुलिस ने पुतला दहन का ये कार्यक्रम नहीं होने दिया और रोक दिया गया है। लेकिन इसी बीच आक्रोशित कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प हुई, जमकर नोकझोंक भी हुई और इस मौके पर उपेंद्र प्रताप सिंह, रामकुमार मिश्र, सचिन अग्रवाल, अनिल त्रिपाठी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ता हर जगह अपना विरोध प्रदर्शन कर कन्हैया के हथियारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की लगातार मांग कर रहे हैं।
इसी क्रम में जिला संयोजक संदीप के नेतृत्व में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने श्री राम चौक पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री सतीश पाठक ने कहा है कि जब हिंदू जाग गया है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और कहा यह भी है कि जिस तरह से दर्जी कन्हैया की उसके प्रतिष्ठान में घुसकर गला रेतकर हत्या की गई है, उसके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से भी बीजपुर थाना प्रभारी भैया एसपी सिंह, उप निरीक्षक विनोद यादव दलबल के साथ मौजूद रहे हैं और मामले को नियंत्रण में रखा गया। देखिए जिस प्रकार की घटना घट रही है, ये जो शांति दूत बनकर बैठे हैं जो है, और विगत दिनों में जिस प्रकार का जो है एक षड्यंत्र के तहत जो है, अभी कुछ दिन पहले जो है इनका अपने स्थान से निकलना हुआ और हमारे हिंदू भाई प्रशासन के ऊपर, हमारे जो व्यवसायी हैं उनके ऊपर जो है, उनके प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करना, लूटपाट करना, इन्होंने उदयपुर की घटना, कल की जो है जो परसों की घटना घटी, इन्होंने तो एकदम हदपात कर दिया अपना हिंदू समाज। यानी कि दर्जी कन्हैया के प्रतिष्ठान में घुसकर नाप देने के नाम पर गए। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरएन न्यूज।